हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं सीएमसी वेल्लोर के बारे में, ठीक है। सारे एस्पेक्ट्स को क्लियर करेंगे, एमबीबीएस फीस, हॉस्टल, मेस एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो बहुत जरूरी होता है, वो एडमिशन प्रोसेस से लेके हर चीज, कॉलेज का सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो एंड स्टार्ट करते हैं वीडियो यार बिना किसी देरी की। इंट्रो। आप लोगों को साइड में पीडीएफ दिख रहा होगा, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ को पढ़ना है या वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन जो आप यहां ना देख पाओ या ना समझ में आए, आपको पीडीएफ रेफर करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके पीडीएफ को भी देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं यार हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले हमारे पास है अबाउट ए सीएमसी वेल्लोर, राइट। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर इज एन ऑटोनोमस प्राइवेट कॉलेज। हम लोग को पता है कि प्राइवेट कॉलेज है, तमिलनाडु में एस्टैब्लिश्ड है और एस्टैब्लिश किया गया था 1990 में, ठीक है, तमिलनाडु चेन्नई में, राइट। द कैंपस ऑफ द इंस्टीट्यूट इज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 200 एकड़ का यहाँ पे हम लोग को कैंपस मिलता है एंड टोटल 825 फैकल्टी मेंबर्स हैं। थर्ड रैंक है इसका एनआईएफ रैंकिंग 2021 इन द मेडिकल कैटेगरी, ठीक है। टोटल हम लोग के पास यहाँ पे 61 प्रोग्राम्स हैं यूजी पीजी एंड डॉक्टरल कोर्सेज को मिला के। 61 प्रोग्राम्स का मतलब होता है 61 कोर्सेज, लाइक एमबीबीएस एमएस एमडी के डिफरेंट ब्रांचेस के साथ 61 कोर्सेज यहाँ पे ऑफर की जाती हैं। एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजी, डीएम गैस्ट्रो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, एमसीएच यूरोलॉजी, ठीक है, एटेक्स्ट्रा। हम लोग के पास इतने सारे, मतलब सारे 61, बहुत सारे आपको एमसीएच के, डीएम के, ऑलमोस्ट सारे एमएस एमडी, सारे ब्रांचेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सीएमसी वेल्लोर का यहाँ पे एक सिंपल सा चीज लिखा हुआ है, फुल फॉर्म तो किसी को जानना होती है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज फुल फॉर्म वेल्लोर, इट प्रोवाइड्स एडमिशन टू 61 प्रोग्राम्स, राइट। लोकेशन किसी को देखना हो तो आप रेफर कर सकते हो, तमिलनाडु में है, इतना जान लेते हैं क्योंकि उसके आगे जानने को हमें ये नहीं पता है कहाँ है तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ गए ही नहीं है कभी, ठीक है। फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। द कैंपस ऑन द कॉलेज हैज अ वाइड रेंज ऑफ फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स एंड फैकल्टी मेंबर्स, राइट। द इंस्टीट्यूट हैज इंडिविजुअल हॉस्टल्स फॉर गर्ल्स एंड बॉयज स्टूडेंट्स, ठीक है। हमारे को इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में भी देख रहे होंगे। हमारा यहाँ पे हमारे पास एक वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी इज प्रेजेंट एट द कैंपस, और यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं आप लोग की वाईफाई भी मिल रहा है, बस चुप, ठीक है। द मेडिकल सेंटर ऑफ द, तो हॉस्पिटल ही है यार, तो मेडिकल सेंटर का क्या मतलब बनता है, कुछ भी करवा लो शरीर में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक कर देंगे वो लोग, अच्छे से इलाज उलाज हो जाएगा आपका, करके आ जाना जो करके आना होगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज हम लोग को मिल जाएंगी, डिपार्टमेंट बेस्ड लेबोरेटरीज, पार्किंग स्पेस, मॉडर्न आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, आर एंड फ्यू मोर सीएमसी वेल्लोर फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर स्टूडेंट्स, राइट। कोर्सेज की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास डिग्री नेम एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट। तो डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि या तो आप एमबीबीएस या पीजी डिप्लोमा फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट हैव कंप्लीटेड रोटेटिंग रेसिडेंशियल इंटर्नशिप। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हो। हम एमबीबीएस का देख लेते हैं एक बार शॉर्ट में। एमबीबीएस का है मिनिमम 50% मार्क्स चाहिए क्लास 12th में, तो 50% से नीचे वाले बच्चे फिर से 12वीं दे दो प्लीज, ठीक है। तो 50% मार्क्स चाहिए हमें क्लास 12th में, और यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, ये तीन सब्जेक्ट हमारे पास होने चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेके नहीं हो पाएगा भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी चाहिए। अच्छा, इंग्लिश चाहिए, बहुत सारे बच्चों का ये डाउट आता है कि भैया मेरा इंग्लिश नहीं था, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, क्या मेरा नहीं हो पाएगा, तो नहीं हो पाएगा भाई, हमें चाहिए इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम मैक्सिमम कॉलेजेस को नीट के अंदर ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, जैसे कि CBSE या फिर स्टेट बोर्ड आपके होते हैं, ICSE, ठीक है। प्लस एटलीस्ट 50% इन नीट, नीट में 50% नहीं होने वाला है, 50% में आपका इतना खुश मत हो, आपको बहुत ज्यादा हाई लाना पड़ेगा, ठीक है। ये तो उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिख दिया है बस। तो MD एनेस्थीसियोलॉजी में आपका ये कुछ है, एंड ये आप पीडीएफ से रेफर कर सकते हो, और आपको किसी और का देखना है तो। एडमिशन प्रोसेस की बात करते हैं एमबीबीएस के लिए, तो सिट फॉर नीट एंड ऑब्टेन अ वैलिड स्कोर, जो भी आपका कट ऑफ जाता है लाइक 650 660 प्लस, वो आपको आपके कैटेगरी के वाइज आपको एक वैलिड स्कोर आपको यहाँ पे
लाना पड़ेगा, प्लस मीट नीट कट ऑफ एंड रजिस्टर फॉर काउंसलिंग। तो वही बात है कि आपका देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 50% है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है। आपको नीट में एक अच्छा वैलिड स्कोर लाना पड़ेगा और कट ऑफ को क्लियर करना पड़ेगा जो पर्टिकुलर कॉलेज के लिए होगा, एंड काउंसलिंग के लिए रजिस्टर करो। पार्टिसिपेट इन नीट काउंसलिंग एंड फिल कॉलेज चॉइसेस। कैंडिडेट्स आर अलॉटेड कॉलेज अलॉटेड कॉलेजेस। वन CMC वैल्यूअर इज अलॉटेड। कन्फर्म एडमिशन बाई पेइंग फीस एंड सबमिटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। डिप्लोमा एंड PG के लिए भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको जानना हो तो आप पढ़ सकते हो पॉज करके या फिर डिस्क्रिप्शन में जाके, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं, बहुत जरूरी चीज। द स्टूडेंट ऑन द कॉलेज कैन अप्लाई फॉर न्यूमरस स्कॉलरशिप्स, ठीक है। बहुत सारे स्कॉलरशिप्स आपको मिल रहे हैं, पर पता नहीं कौन कौन से मिल रहे हैं, देख लेते हैं। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP टू अप्लाई फॉर CMC वेलोर स्कॉलरशिप, आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल गर्ल चाइल्ड प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, PMSS, RPF, RPSF, एटेक्स्ट्रा, ये बहुत सारे स्कॉलरशिप स्कीम्स के बारे में आपको कॉलेज भी बता रही होगी और आपको पता चल रहा होगा, जिसमें आपको कुछ अमाउंट ऑफ मनी का हेल्प मिल रहा होगा गवर्नमेंट के तरफ से, राइट। CMC वेल्लोर के हाईलाइट्स देखते हैं। रैंक इन मेडिकल फर्स्ट, ठीक है, ये आपके प्राइवेट में लिखा हुआ है, ठीक है। ओनरशिप प्राइवेट, अप्रूवल और अप्रूवल हमारे पास UGC की है, ऑटोनोमस है और जेंडर्स एक्सेप्टेड कोएड है। Established year 1942, जैसा हम लोगों को पता है। कैंपस साइज 200 एकर्स का कैंपस है, मतलब कि चार चार क्रिकेट के स्टेडियम आप बैठा लेना कैंपस में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल फैकल्टी 988 एंड टोटल स्टूडेंट्स एनरोलमेंट 2007, बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है। एडमिशन प्रोसेस यहाँ पे मैं फिर से बता रहा हूँ MBBS का, एक बार ध्यान से सुन लो। ऑब्टेन मिनिमम ऑफ मार्क्स एट 50%, ये आपका मतलब क्राइटेरिया है। 40th percentile कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर सीट्स इन द SC ST कोटा, ठीक है। SC ST के लिए 40th percentile, देखो आप ना काउंसलिंग में बैठने के लिए और इस कॉलेज को सेलेक्ट करने के लिए इतना नाम दिया हुआ है, बट आपका इस पर नहीं होने वाला है। तो 50th percentile हमें चाहिए जनरल OBC को, और SC ST के लिए 40th percentile पे हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। 10+2 हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। 12th हमने कर रखी होनी चाहिए, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एंड इंग्लिश के साथ। इंग्लिश नहीं है तो नहीं हो पाएगा, बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ भी अगर नहीं है इन चारों में से तो नहीं हो पाएगा। अ कैंडिडेट फॉर एडमिशन टू द मेडिकल कोर्स, देखो ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स टेकन टूगेदर इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है। हमारा 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का मिला के, राइट, और बोटनी जूलॉजी टुक टूगेदर, ठीक है, मतलब बायोलॉजी को तोड़ के, जो भी आपका बोर्ड जिस तरीके से करता है, बट फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी को मिला के हमारे पास 50% मिनिमम मार्क्स हमें चाहिए, ठीक है। 40% चाहिए हमें BC, MBC, SC, ST कैंडिडेट्स के लिए एग्रीगेट, एंड जनरल OBC के लिए हमें 50% चाहिए, ठीक है। ये चीज आई होप आप लोगों को क्लियर हुई। कैंडिडेट शुड हैव पास्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ऑफ द हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन, मतलब ऐसा नहीं कि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 50% है बट आप इंग्लिश में फेल हो, या फिर आपके पास मैथ्स से मैथ्स में फेल हो, आपका सारे सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, राइट। तो ये चीज ध्यान रखना। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड, अच्छा आपका 17 इयर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिस भी ईयर आप एडमिशन ले रहे हो उसके 31st December बाय द एंड ऑफ ईयर आपका 17 इयर्स कंप्लीट होना चाहिए, ये एज फैक्टर है, इसको दिमाग में रखना। क्विक फैक्ट देख लेते हैं। एग्जाम हम नीट MBBS के लिए चाहिए, ठीक है, और अप्रूवल NMC है, ठीक है, एंड कुछ 90 सीट्स हम लोग को मिल रही थी, यहाँ 90 लिखना मैं भूल गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। अब बात करते हैं हॉस्टल के ऊपर, ठीक है, हॉस्टल का क्या क्या सीन है, ठीक है। हॉस्टल में अगर हम लोग देखें, सबसे पहले 34,500 रुपीज पर ईयर फीस है। देखो ये जो हॉस्टल फी मैंने लिख रखा है ना, हॉस्टल फैसिलिटी हॉस्टल फी, ये वाला पार्ट यहाँ से जो लिखा है ना मैंने, ये एक CMC वेलोर के स्टूडेंट का लिखा हुआ है, मेरा लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज ऑफ वेलोर हैज अ वंडरफुल हॉस्टल, इट हैज अराउंड 250 रूम्स विद प्रॉपर वेंटिलेशन एंड लाइटनिंग। हॉस्टल हैज अ लार्ज मेस, रिक्रिएशन हॉल, लार्ज लॉन एंड वाईफाई सर्विसेज फॉर स्टूडेंट्स, और डिलीशियस फूड विथ नॉन वेज, मतलब पनीर एंड चिकन, ठीक है। हॉस्टल फीस यहाँ पे 34,500 पर ईयर। कैंपस लाइफ की अगर बात करें तो क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज इज द बेस्ट कॉलेज फॉर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। दे प्रोवाइड को करिकुलम एक्टिविटीज सच एज स्पोर्ट्स इन द कॉलेज। दे प्रोवाइड वाईफाई फॉर स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल। इट हैव अ लार्ज साइज लाइब्रेरी विद गुड एमिनिटीज विद कंप्यूटर लैब। तो ये एक ना CMC वेलोर के स्टूडेंट का लिखा हुआ है, तो इस चीज को आप ध्यान में रखना।
देखो फीस के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं अच्छे से। तो एमबीबीएस के लिए फीस की बात करते हैं, तो एमबीबीएस के लिए फीस, ट्यूशन फी पर ईयर 3000 रुपीज है, वन टाइम कॉलेज फी एट एडमिशन 8800 रुपीज, अदर एनुअल फी 15105 रुपीज, वन टाइम पेमेंट टू यूनिवर्सिटी 13425 रुपीज, हॉस्टल चार्जेस, डिपॉजिट्स एंड एडवांसेस मेन के लिए है 10,000, वुमेन के लिए है 4,000 रुपीज, राइट। मंथली बिल्स मेन का अप्रोक्स 6,000 है एंड वुमेन का अप्रोक्स 4,000 है, राइट। तो ये इसका कुछ फी स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हो, ये आपके हॉस्टल के फोटोज हैं, कुछ इस तरीके का गार्डन और बीच में पूल दे रखा है, और यहाँ पे ना आपको छोटे छोटे स्टूल मिल जाएंगे बैठने के लिए, ठीक है। और ये यहाँ छत पे आप खड़े हो जाना ऐसे करके, क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, राइट। ये एक और फोटो है जिसमें पूल थोड़ा पास से दिखाया जा रहा है दोस्तों, और यहाँ पे क्रीपर्स ने आपके बालकोनी पे कब्जा भी जमा लिया है, ये भी आप देख सकते हैं, बच्चे पढ़ने में इतने बिजी हैं कि क्रीपर्स अपना राज जमा लिए हैं। तो ये वाला पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा। आई एम एन MBBS स्टूडेंट एट CMC, तो ये वाला यार आप पढ़ लेना, एक स्टूडेंट का रिव्यू उठा के मैंने डाला है जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। 120 इंच स्क्रीन आपको मिल जाता है, प्रोजेक्टर मिल जाता है, थिएटर सिस्टम मिल जाता है, एंड आपको इसमें अच्छी अच्छी चीजें जानने को मिल जाएंगी आपके कॉलेज के बारे में, तो आप पढ़ लेना यार, ठीक है। मेरे बताने के लिए ऐसा कुछ फायदा नहीं होने वाला आपका। एनुअल इवेंट्स के ऊपर बात कर लेते हैं, एनुअल इवेंट्स में क्या क्या हो रहा है यहाँ पे गाइस। तो ये एक भैया जी खड़े हैं हमारे और ये दो मैम खड़ी हैं, ठीक है। The various annual research events at CMC include Research Day. Research Day यहाँ पे होता है, जो आपका CMC Research Day is a day dedicated to encourage quality research as well as to learn about the research activities on campus. उसके बाद हमारे पास एक Cognito है जो started in 2013 as a student initiative to promote undergraduate research. Cognito serves as a unique platform for medical students from across the nation to showcase their research work. उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे आप पेगेसिस, यहाँ पे आपने देख रहा है पेगेसिस सबसे बेस्ट फेस्ट होता है इस कॉलेज का, द एनुअल इंटर कॉलेज फेस्ट फॉर CMC वेल्लोर। विंटर सिंपोशियम का बात करें तो दिस एनुअल इवेंट एम्स टू मोटिवेट एंड एंगेज योर यंग माइंड्स इन क्वालिटी रिसर्च। देखो बाकी सारी चीजें रिसर्च है जिसपे हम लोग उतना नहीं जाना चाहते, हम लोग जाना चाहते हैं पेगेसिस पे, ठीक है। बेबलेट वाला पेगेसिस नहीं, दूसरा पेगेसिस, ठीक है। उड़ना आप भी गोरा बन के इस वाले फेस्ट में, बहुत मजा आएगा। तो मेरा PDF तो खत्म हो गया, कि मतलब हमने सारी चीजें डिस्कवर कर ली इस कॉलेज के बारे में, सारी चीजें डिस्कस कर ली। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होंगी। किसी भी चीज में कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट करो, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कौन सी वीडियो चाहिए और किस कॉलेज आपको रिव्यू चाहिए उनको भी आप कमेंट डाउन कर सकते हो, आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट नहीं करते, एंड करते हैं वीडियो को यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार। तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड टेक केयर।